सारे लड़के ही आते थे और उनके बीच में मैं एक अकेली लड़की होती थी जो कॉमेडी करने का ट्राई करती थी बट जब मैं दिल्ली गई तो कम्पलीटली एक अलग शहर मैंने देखा कि जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है कॉलेज में आप देखो कि सबका एटीट्यूड अलग ही होता था कि मतलब कोई इंग्लिश में बात करा कि अच्छा हाँ आपकी बेटी तो ऐसे वीडियो वगैरह बनाती है ना आपने तो पढ़ने भेजा था उसको दिल्ली ये उनका एक ऐसा टॉन्ट आया आपको ऐसा लगना लगने लगता है कि आप नहीं कर रहे हो और जरूरत भी नहीं है आपको फिट होने की जरूरी नहीं कि आप हर जगह फिट हो मेरी ये जो भी जर्नी थी उसमें एक फैक्टर या एक चीज जो मैंने हमेशा याद रखी हुई थी कि हेलो दोस्तों मेरा नाम है सलोनी गौड़ और मैं कॉमेडी करती हूँ एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं लोगों को हंसा पाती हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटे से शहर से बुलंदशहर जो कि यूपी में आता है वहाँ से उठकर आज यहाँ पर आई हूँ तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मुझे दिल्ली पढ़ने जाना है मैंने उन्हें ये नहीं बोला कि मुझे मुंबई भेज दो या बेंगलोर भेज दो मुझे ये भी पता था कि हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है कि वो मुझे इतना दूर भेज पाएँ और एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही मैं रह सकती हूँ इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं तो उस पर मेरे पेरेंट्स भी अग्री कर गए कि ठीक है दिल्ली जाना है बुलंदशहर से पास भी है वीकेंड्स पर घर आते रहोगे पर उतने नंबर ले आओ जितना वहाँ जाने के लिए चाहिए तो मैंने भी काफ़ी पढ़ाई की और मैं उतनी कट ऑफ क्लायक नंबर ले आई थी और फिर मेरा एडमिशन हो गया बट एक क्या फैक्टर होता है कि जब आप एक छोटे शहर से उठकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाते हो भले ही वो हमारे घर से काफी पास था एक सिर्फ पिछहत्तर किलोमीटर की दूरी है बट कम्प्लीटली अलग शहर है हमारे यहाँ आप रोड क्रॉस करते हो तो कोई जेबरा क्रॉसिंग नहीं होता है वहाँ पर होता है तो आपको वेट करना पड़ता था कि अभी रेड लाइट होगी गाड़ियां रुकेंगी तब आप जाके क्रॉस करोगे हमारे बुलंदशहर में ऐसा कुछ नहीं होता था आपका जहां मन करता था आप रोड के लेफ्ट साइड में भी चलते थे आप रोड के राइट साइड में भी चलते थे बट जब मैं दिल्ली गई तो कंप्लीटली एक अलग शहर मैंने देखा कि जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है आप बुलंदशहर में घूमो या किसी भी आप अपने शहर की बात कर लो तो छोटा शहर होता है तो हर दूसरा आदमी आपको पहचानता है आपकी सबसे नमस्ते होती रहती थी वहां कोई नहीं देखता था आपको तो ये चीज मुझे काफी अलग लगती थी कि यार यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है सब अपनी धुन में मस्त हैं सुबह मैं उठ के मेट्रो से कॉलेज जाती थी वहां किसी कोई कोई मतलब नहीं है ऑब्वियसली मेट्रो में तो काफी लोग होते हैं हो भी नहीं सकता है उतना मतलब बट मैं हॉस्टल में भी देखती थी कि, कि किसी कोई लड़की किसी और लड़की से इतना ज्यादा बात नहीं कर रही है कॉलेज में आप देखो कि सबका एटीट्यूड अलग ही होता था कि मतलब कोई इंग्लिश में बात करा और मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट एक वो फैक्टर हो जाता है कि आप आपको ऐसा लगना लगने लगता है कि आप वहाँ फिट इन नहीं कर रहे हो और ज़रूरत भी नहीं है आपको वहाँ फिट होने की जरूरी नहीं कि आप हर जगह फिट हो मैं वैसी ही थी मैंने ट्राई नहीं किया कि कभी मैं उस सर्कल में फिट हो मुझे अकेले रहने में मजा आता था मैं उल्टा उस टाइम को यूटिलाइज करती थी कि मैं अगर कॉमेडी करना चाहती तो मैं अपना वो स्टैंड अप का एक मटेरियल प्रिपेयर करूं क्योंकि मैंने अपना गोल सेट कर लिया था कि मुझे अगर स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो मुझे नहीं मतलब फिर कि अगर ये लोग किसी क्लब में जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स जाते थे वो फ्रेशर्स पार्टी होती थी उनकी एक अनऑफिशियल तो वो क्लब में होती थी तो मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था मैंने नाचना ही तो है हम हॉस्टल में नाच लेंगे अपने रूम में डिस्को लाइट लगाकर एक छोटा सा लैम्प था हमारे पास हम उससे खेल लेते थे तो आप ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में फिट इन करो या आप सोचो कि यार एक क्योंकि वो भी रहता है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप जरूर हमारी आप हिंदी में बात करो मैं मैं खुद मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है बट मुझे हिंदी में बोलना पसंद है इसलिए मैं बात करती हूँ तो आप ट्राई ही मत करो आप जिस चीज़ में अच्छे हो ना आप सिर्फ उसे ट्राई और बेटर करने का ट्राई करो जिसमें नहीं हो अच्छे छोड़ दो उसको तो मैंने कॉमेडी करना शुरू किया हालांकि स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक फील्ड है वो काफ़ी टाइम से थोड़ा मेल डोमिनेटेड रहा है बट आ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने कॉलेज से शुरू किया और ऐसा होता था कि सारे लड़के ही आते थे और उनके बीच में मैं एक अकेली लड़की होती थी जो कॉमेडी करने का ट्राई करती थी बट अब मुझे ऐसा लगता है कि हम उस उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि वहां कुछ ऐसा नहीं होता था कि अगर एक लड़की के हाथ में माइक पकड़ाया गया तो ऑडियंस चली गई हो वहां सारे लोग बैठते थे और मैं हमेशा फर्स्ट आती थी उन कॉम्पिटिशन्स में तो मुझे ऐसा लगा कि लोग एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अब इस चीज़ को कि हाँ वरना तो हमेशा से ये रहता रहा है कि लड़कियां तो फनी नहीं होती ये एक चीज़ थोड़ी रहती है बट मैंने इस चीज़ को कभी फेस नहीं किया अब उतना चेंज हुआ है तो आई थिंक आप भी जो अपने जो भी फील्ड है आप शायद उस चीज़ में पहले हो गए आप शायद कुछ ऐसी चीज करना चाहते हो जिसमें जो काफी मेल डोमिनेटेड है बट जरूरी नहीं देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरी शायद आप उस चीज में पहले हो और उस आपको देखकर और लोग आए मैंने जब कॉमेडी करना इंटरनेट पर शुरू किया तो आ, मेरे घर वालों को समझ में नहीं आता था क्या कर रही है मेरे रिले, रिलेटिव को समझ में नहीं आता था और उन्हें लगता था कि ये क्या आपकी बेटी कैमरा खोल के ये करती रहती है मेरे जो मोहल्ले वाले थे एक बार एक किस्सा हुआ था कि आ, एक अंकल थे हमारी गली के बाहर उनकी एक शॉप थी तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि अच्छा हाँ आपकी बेटी तो ऐसे वीडियो वगैरह बनाती है ना आपने तो पढ़ने भेजा था उसको दिल्ली ये उनका एक ऐसा टॉन्ट आया तो मेरे पापा को मैं इस बात पे तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो इतने ज़्यादा कूल थे मेरा किसी अखबार में इंटरव्यू आया था और वो वो अखबार की कॉपी लेकर गए बोले कि हमारी बेटी का इंटरव्यू भी आता है न्यूज़पेपर में आपके का आता हो बेटे का या बेटी का तो आप मुझे मुझसे बात करो आपको कभी भी निराश नहीं होना इस चीज़ को लेकर लोग तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें अभी अगर मैं इंटरनेट पर कोई वीडियो डालती हूँ या कोई फोटो पोस्ट करती हूँ तो दस पंद्रह लोग आ ही जाते हैं गाली देने या कुछ भी करने बट ऑनेस्टली मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना मैं उन लोगों में से हूँ जो क्रिप करे उस चीज़ को लेकर कि यार मुझे तो गाली पड़ गई तारीफ भी तो हो रही है आप वो भी तो देखो तो मुझे गाली पड़ती है मैं तो हंस देती हूँ एक तो मुझे इसलिए हंसी आती है क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में गाली नहीं देती हूँ तो कोई गाली देता है तो मुझे उसे सुन के हंसी आ जाती है कि अरे गाली दे रहा है मैं वो ऐसे बचकानी हरकतें भी थोड़ी कर देती कि अरे इसने ये बोल दिया तो आपको उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए लोग तो कहते ही रहते हैं ये चीजें मतलब हालांकि ये थोड़ा कहने में आसान होता है कि लोग तो कहेंगे उनका काम है कहना आप मत सुनो कुछ लोग पर इसका थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बट अब आपको इतना तो चिल रहना पड़ेगा कि आप अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां कोई भी कुछ भी बोलता है आपको बोलने की आजादी है दूसरे को भी बोलने की आजादी है बट वो डिफरेंस है कि आप उसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो आप कुछ अच्छी बातें बोल रहे हो दूसरा बंदा कुछ नेगेटिविटी फैलाने के लिए यूज कर रहा है बट फिर आप ये भी देखो कि आपको अगर 20 कमेंट्स में गालियां पड़ रही हैं तो आपको 100 कमेंट में तारीफ भी हो रही है आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए मैं तो उल्टा आजकल अगर कोई फनी वे में ट्रोल कर देता है ना मैं उससे भी कंटेंट निकाल लेती हूँ आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आप कॉमेंट से म्यूट कर दो मेरी ये जो भी जर्नी थी उसमें एक फैक्टर या एक चीज जो मैंने हमेशा याद रखी हुई थी कि मैं कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी एक होप थी हमेशा मेरे पास मुझे भले ही तीन साल लगे मेरी एक वीडियो वायरल होने में और लेकिन मैंने उस दौरान कभी भी ये नहीं सोचा कि यार आज इसे सौ लोग देख रहे हैं तो हर वीडियो को सौ ही लोग देख रहे हैं कुछ बढ़ नहीं रहा है तो मैं इसे बंद कर दूं मैंने वो नहीं किया मैं जो कर रही थी उसमें मुझे मजा आ रहा था और इसीलिए मैं हमेशा वो एक उम्मीद के साथ करती थी कि आज नहीं तो कल ये उठेगी और जो कि हुआ भी तो मैं अगर आज आपने मेरी ये स्टोरी सुनी है तो मैं आपसे यही चाहती हूं कि आप भी अपने जो भी ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो उस पर कभी भी होप मत जाने तो आप उससे हमेशा जिंदा रखो और टाइम लगता है लेकिन सपने पूरे हो हैं